रियल लाइफ में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक विलेन का किरदार निभाकर प्रसिद्धि हासिल करने वाले अभिनेता सोनू सूद असल जिंदगी में भी हीरो हैं। कोरोना काल में गरीबों के मसीहा बनकर सामने आए अभिनेता की दरिया दिली देखकर लोगों ने उन्हें अपना रियल लाइफ हीरो मान लिया है। सोनू सूद अब भी अक्सर लोगों की मदद करने के लिए आगे से जाते हैं। अभिनेता को ऐसा करते देख बॉलीवुड गलियारों में अफवाहें गर्म थी कि सोनू सूद जल्द ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब हाल ही में सोनू सूद ने राजनीति में अपनी एंट्री को लेकर उठते कयासों पर चुप्पी तोड़ी है। चलिए जानते हैं अभिनेता ने क्या कहा और क्या आखिर वो पॉलिटिक्स वाकई ज्वाइन करेंगे। कोरोना काल में सोनू सूद ने लोगों की इस कदर मदद की कि वे उन्हें मसीहा मानने लगे। उन्होंने ना सिर्फ दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने में मदद की, बल्कि जरूरतमंद को खाने की सामग्री भी बांटी थी। इसके बाद से ही लोग कयास लगा रहे थे कि सोनू सूद बहुत जल्द राजनीति में एंट्री मार सकते हैं, लेकिन जो लोग उनके पॉलिटिक्स में आने का इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि हाल ही में अभिनेता ने साफ कर दिया है कि उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सोनू सूद ने बयान दिया, जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, मुझे 2 बार राज्यसभा सांसद बनने का ऑफर मिल चुका है, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, मुझे बड़े से बड़े पद ऑफर हो चुके हैं, यहाँ तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी ऑफर हो चुका है, लेकिन मुझे ये सब चीजें एक्साइट नहीं करती हैं। खुद अपने नियम बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहता। आपको बता दें, सोनू सूद ने हाल ही में सुपरहिट फिल्म दबंग में अपने किरदार छेदी सिंह को लेके भी बड़ा खुलासा किया था। अभिनेता ने बताया कि उन्हें ये किरदार पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने दबंग को रिजेक्ट कर दिया था। अभिनेता का मानना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट में उनका किरदार काफी एरोगेंट था, जो उनकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता था, लेकिन बाद में अभिनेता की ना सुनकर उनके इस किरदार को थोड़ा कॉमिकल बनाया गया, जिसके बाद सोनू सूद ने रोल के लिए हामी भरी। सोनू सूद के वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिनेता को आखिरी बार फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में देखा गया था। इस फिल्म में वो अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन साझा करते नजर आए थे। मालूम हो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। हालांकि अब जल्द ही फैंस उन्हें फिल्म फतेह में देखेंगे, जिसका ऐलान हाल ही में किया गया है। आप इस वीडियो पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही सोनू सूद की दरिया दिली पे एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।